गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमोल मर्दे। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो लेकर, जो कि पार्ट टू है। हम लोग जा रहे हैं समंदर के किनारे मच्छी पकड़ने के लिए, आपको दिखाने जा रहा हूँ। और मेरे वीडियो में बने रहिए और मैं आपको दिखा सकूँ हमारी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो। और ये है दो रास्ते बिछड़े हुए। और ये रहा अपना समुंदर का किनारा, और ये रास्ता जाता है दूसरी ओर। और ये है छोटी सी नाव। मछली पकड़ने की नाव है वो। ये ले भाई, समंदर के नज़ारे बहुत अच्छे है। मैं आया हूँ अब समंदर के किनारे। कैसा लगा ये लोकेशन आपको? अब लेते हैं थोड़े से शॉट। देर में हम पहुंचने वाले अपने जगह पे जहाँ पर हमने जाली लगाई है। ये देखो, शेपम बोलते हैं इसको। हमने बोला था पार्ट वन में, जो मेरे वीडियो है, आपको बताया था मैंने कि ये इसको क्या बोलते हैं, कौन सी टाइप की जाली है, ये कैसे बिछाते हैं। हमने उस वक्त हमने बंद किया था पानी ज़्यादा भरने के कारण, हमने सब लपेट लिया था सब। उसके ऊपर पत्थर रखे थे, अभी वो हमने हटा दिए। और देख सकते हैं आप पानी कितना भरा है, और इसके अंदर बहुत सारी मच्छियाँ भी है, अभी खेकड़े भी होंगे बड़े बड़े। देर तक रुकना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि पानी ज़्यादा है यहाँ पर। आप देख सकते हो पानी तो अभी कम नहीं हुआ है, कम हो जाएगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा।
और यहाँ पर पानी ज़्यादा होने के कारण ये पहले से ही डंडा रखा है मेरे दोस्त ने लगा कर रखा है यहाँ पर, क्योंकि मछली बड़ी मछली इसके बाहर ना जा सके। अभी वो दोस्त मेरा फ्रेंड जो है उधर से चिल्ला रहा था बीच में मत जाओ, मछलियाँ यहाँ से वहाँ जाएगी छलांग लगा के, पानी काफ़ी है और पैर के नीचे कीचड़ भी है बहुत। अब जाते हैं हमारे फ्रेंड के वहाँ पर, देखते हैं कितनी मेहनत कर रहा है वो। आप देख सकते हैं वो पानी कितना भरा हुआ है और पत्थर भी नहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाहर से जाना पड़ेगा क्योंकि अंदर मछली हुई है। अभी देखेंगे मेरा दोस्त कैसे मेहनत करता है, कैसे जाल को करता है, बिछाता है, सब काम वो सीखना पड़ेगा मेरे को भी, और हम सीखेंगे उससे। आज तो मछलियाँ मछली मिलने वाली है हम लोग को, क्योंकि उस टाइम बहुत कम मछलियाँ मिली थी क्योंकि हमने वो पूरा जाली लपेटा था, उसके ऊपर पत्थर रखे थे वगैरह, वो निकलने वाले थे हम लोग, इसलिए कम मछली मिली थी। अब पानी भी ज़्यादा है और मच्छी भी अच्छी अच्छी होगी। आप देख सकते हैं कचरा भी कितना मिला है, ये जाली के अंदर फंसता है, वो भी निकलना पड़ता है, काफ़ी कचरा भी होता है इसमें, निकलना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर समंदर धोने के लिए हमें सर्फ एक्सेल भी मिला है, एडवर्टाइज कर रहे हैं हम लोग इस सर्फ की। ये लो। मेरा दोस्त बोल रहा है वहाँ पर कौवे आए हुए मच्छी खाने के लिए, तो उसको भगाने जा रहे हैं हम लोग, नहीं तो मच्छी खा लेंगे, डस डस के खाएंगे। देख सकते हैं वहाँ पर भी आदमी है जो जाल बिछा के रखा है, उसका अलग पद्धति का जाली है, वो ऊपर ही तैरता है। वो जा रहा है मेरा दोस्त कौवे भगाने के लिए, सब उधर नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं कौवे, दौड़ के जा रहा है, वो भाग गए सब। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपको समंदर में जाना अच्छा लगता है या नहीं, या बीच वगैरह घूमना अच्छा लगता है या बोट में, तो मुझे ज़रूर बताएं कितना अच्छा लगता है आप लोगों को। और हमारे पालघर ज़िले में जो हमारे तरफ गांव के तरफ साइड में ही तीन बीच है, एक चिंचन बीच है वहाँ पर, देख सकते हो जो मेरे उंगली है वहाँ पर, आपको दिखाई दे रहा है मुझे पता नहीं वीडियो में, पर वहाँ पर चिंचन बीच है। उसके आगे जाएंगे तो वाड़वन बीच भी है, वो भी अच्छा है, और उसके आगे जाएंगे तो डहानू बीच है, और उसके आगे जाएंगे तो अपना चिखला बीच है, उधर भी अच्छा है काफ़ी बीच फोटो शूट वगैरह, और उसके आगे भी बीच है एक, और उसका बोर्डी बीच है, और बगले भी आ चुके हैं यहाँ पर मच्छी खाने के लिए, और मैं खड़ा हूँ इसलिए वो आ नहीं रहे मेरे कुछ साइड में ही। और यहाँ पर बहुत अच्छी हवा भी आ रही है, काफ़ी फ्रेश हवा, यहाँ पर मैं रुका हूँ, और पानी भी काफ़ी कम हो चुका है आप देख सकते हो। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कब पानी ये यहाँ से हट जाएगा, कम हो जाएगा, अभी काफ़ी समय के बाद ये पानी कम हो गया है, और इसके अंदर बहुत सारी मच्छियाँ भी है,
आपको दिखाऊंगा मैं ज़रूर। और बहुत सारा कचरा भी अटका हुआ है इस जाली के अंदर, वो हमें निकालना पड़ेगा इसके अंदर। आपकी यहाँ भी ऐसी फिशिंग करते हो तो मुझे बता देना कमेंट में। क्या कर रहा है अर्शद भाई? मछली पकड़ रहा हूँ अभी, अभी साफ सफाई करनी पड़ेगी। वहाँ पर आप दौड़े दौड़े गए थे? हाँ, क्या करेगा, वहाँ पे चौबे को मछली खा रहे थे इसके लिए। अभी मछलियाँ उसके अंदर है क्या? नहीं होगी टोकरी में, अभी देखते, अभी होगी देखनी पड़ेगी। कचरा वगैरह कचरे में भी रहते, बहुत सारा कचरा लगा है आप देखो। ये हमारी, ये देखो केकड़ा। ओहो, आप देख सकते हो खेकड़ा मिला है हमें। देखो एक बार, ये देखो भाई साहब, बहुत बड़ा है यार, मन प्रसन्न हो इसको देखकर। आज तो खेकड़े ही खेकड़े मिलेंगे खाने के लिए। यहाँ की ताज़ा हवा भी इतनी अच्छी लग रही है मुझे, काफ़ी फ्रेश टाइप मुझे लग रहा है बहुत, इसलिए मैं ज़्यादा समंदर में आता हूँ मेरे दोस्त के साथ, और वो मेहनत कर रहा है और मैं वीडियो निकाल रहा हूँ, तो बुरा मत लगा, लगा ना अर्शद भाई? इट्स ओके, ये वो ले क्या। ओ, इसके अंदर भी काफ़ी थोड़े से खेकड़े। अब ये टोकरी है ना, पूरा भर जाएगी मछली मछली से। देखिए आज क्या मिलता है हम लोग को, देखिए झींगा मिला है वाइट कलर का। आगे आगे देखो वीडियो में कितनी मच्छियाँ मिलती है, भर भर की मिलेगी। अब ऐसी नहीं मिलती है, मेहनत करने के बाद ही मिलती है दोस्तों। किस तरह हम लोग कचरा साफ कर रहे हैं, ये हमारी तरीका है नया, सीधा बाहर। अब देख सकते हैं पूरा कचरा यहाँ पर गिरा पड़ा हुआ है, और जाली में फंसा था बहुत ज़्यादा, अभी भी बहुत सारा कचरा जमा हो इसके अंदर। इस प्रकार से हम कचरे को बाहर निकालेंगे। देखो भाई कितना कचरा निकला है, ये कौन साफ करेगा बेटा भाई, निकल जाएगा वो। ये देखो झींगा, ये चला गया टोकरी के अंदर। काफ़ी पानी था यहाँ पर जो अभी कम हो गया है, इसलिए अभी आसानी होगी मच्छी पकड़ने के लिए भी। और ये देखे भाई साहब कितना कचरा निकला है यहाँ के समंदर में। वही से पत्थर मार दो, पत्थर मार दो। अब लगाते हैं नेमबाजी। भाग गए, कीचड़ भी है, फिसलन बहुत होती है यहाँ पर। आप देख सकते हैं मेरे शूज की हालत। और एक बार आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि जाली के ऊपर कैसे बांध दिया जाता है रस्सी से, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये ऐसी ऊपर हो जाती है, फिर इसके अंदर मछली फंस जाती है, और इसको ऐसे बांध लेते हैं, और ये रस्सी पूरा इस पत्थर को जो फांसी के फंदे जैसे टाइप का फिर बांध दिया जाता है ये पत्थर के ऊपर। भाई बजे 7:23, और यहाँ पर सावधानी से जाना पड़ेगा, कुछ मछली कांटे वाली भी होती है। पूरा वहाँ से यहाँ तक, वहाँ से ये जाली पूरी लाइन बिछा के रखिए उधर तक, बहुत लंबा जाली है ये। हमें मिला है बड़ा खेकड़ा।
दांत देखो इसके, ना दांत नहीं। ताकि ये जाल में फंसे नहीं और निकालने में आसानी से निकाल सके। इसी तरह देखिए, आज तो घर जाने के लिए बहुत देरी होगी क्योंकि रात भी होने वाली है। अभी देखिए एक टांग गायब उसका। चलो आगे देखिए, सूर्यास्त भी हो गया, अब रात होने वाली है। अब बजे 7:30, लगभग 9 बजने वाले हैं हम लोग को। ये भाई मुझे नाराज कर रहा है, मेरा दोस्त। ये बोल रहा है कि आज भी मछलियाँ कम मिली है और कम मिलने वाली है, अभी मिली नहीं है। देखते हैं, अभी बाकी है पकड़ना, अभी रात भी होने वाली बाकी है। वैसे भी सूर्यास्त भी हो गया है, देखो मेरे पीछे। अभी फिलहाल कचरा ही कचरा हमें मिल रहा है इस जाली के अंदर। ये देखो, ये कचरा मेरे दोस्त ने और मैंने पूरा साफ कर किया है। और रात भी होने वाली है अभी। अभी ये बहुत टाइम हुआ है हमें, क्योंकि कचरा निकलने में आधा घंटा इसमें ही लगा हमें। हर्षद, आज ज़्यादा मच्छी नहीं मिल रही है। देखते हैं अभी कुछ होगा तो नसीब में। आज हमारा लग नहीं है, बैड लक है, लेकिन ठीक है। मैं हर दिन आता हूँ, हर दिन मच्छी नहीं होती है, मतलब होती है पर ज़्यादा नहीं। जब आप नहीं रहते उसी टाइम हम लोग को मच्छी मिलती है, मतलब यानी कि मैं आपका लग नहीं है। अभी देखते कुछ निकल आता है तो। कचरे की वजह से बहुत टाइम लगा हमें, कचरे की वजह से। देखते हैं अभी कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अभी बाद में हमें रात में इस चीज की जरूरत पड़ने वाली है। टॉर्च केकड़ा मिलेगा इस जगह पे, मिलता ही केकड़ा। मुझे बहुत सी बार देखा है, वो बराबर जाके अंदर बैठ रहा है। देखिए किस तरह से केकड़े को निकाल रहा हूँ मैं। ओह माय गॉड, गिर गया, मिल गया। और एक मछली यहाँ पर शहीद हो गए हैं। देखिए वो टोकरी लेके आई है जरा। चलो कुछ तो काम आया मैं मदद करने के लिए। पूरा पानी से भारी हो गया है। देखते हैं अभी कुछ मिल रहे हैं। जस्ट ये देखिए बड़ा मछली, थोड़ा सा अमूल लोकर। ये देखो, अरे बाप रे, जबरदस्त मच्छी मिली हमें। ये बहुत इसका कांटा जहरीला रहता है, सीधा डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा अगर ये कांटा लग गया तो। केकड़ा फिर से एक बार, केकड़ा मिला है हमें। आज तो वीडियो लंबी जाने वाली है मुझे लगता है। देखते कचरा निकलते निकलते मेरा बैक पेन होने लगा है अभी। क्या नज़ारा है, एक बार मैं कैमरा घुमा लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। आपको भी ऐसा क्लाइमेट अच्छा लगता होगा देखने में। देखिए कचरा निकलते निकलते मेरे कमर एक हो गए, बहुत पेन कर रहा हूँ।
ये जितना, ये देखो इसका काटा बहुत जहरीला होता है। हर्षद अभी भी ये पानी कम नहीं हो रहा है इधर क्या? हाँ अभी सूखेगा थोड़ा सा, थोड़ा बहुत सूखेगा पानी। समुंदर का पानी बहुत नीचे चला गया। ओए दूसरा मिल गया। ओए अभी ये लो, यही जहरीली वाला काटा एक छोटा मिल गया। ओ ले क्या? छोटा मिला हमें। ओ ले क्या? अरे यार रुको, कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे, यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। अगर आए तो कुछ ना कुछ मकसद के लिए आए हम लोग, मछली पकड़ना ही हमारा मकसद है फिलहाल। देखते कुछ मिल रहा है या नसीब में। और झींगा भी बहुत मिलेंगे जो कि अभी छुप कर बैठे हुए हैं। अभी वो बैटरी चलाने के बाद दिखाई देंगे, उसके जो आँखें वो चमक जाती है। ये अलग टाइप का खेकड़ा है। ओ इसको तो ऐसे ही पकड़ना है, इसका आराम से। ओ चला गया। काट लिया मुझे बहुत। ये देखो मेरा नाखून फोड़ दिया। ये लो चला गया। इधर करते हो तो देखिए किस तरह से काट रहे हैं मुझे। ओला वो चालाकी से ये कर रहा है। ओह देखते हैं कैसे क्या हुआ हाथ को। कुछ नहीं, बाल बच गया, लेकिन खून निकल दिया थोड़ा सा ना। खून निकल दिया है पूरा थोड़ा सा। अभी हमें मिली है मछलियाँ, सब मछलियाँ इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग। अभी अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं हम लोग अभी मछलियाँ। ये एक मिनट, और जाते से हम लास्ट टाइम का दो ने एक बार नज़र लगाई तो हमें बड़ी मछली मिली। देखते इधर देखो एक लॉस निकल रहा हूँ मैं। केकड़े निकल रहा हूँ अभी, एक केकड़े इसमें डाल दूंगा जाली में। सबको अलग अलग डिवाइड करना पड़ता है हम लोग को ताकि ये भाग ना सके। ये देखो लास्ट टाइम हम जाते समय मिला एक बोई मच्छी, इतनी बड़ी है। जाते समय हम लोग मच्छी धो के जाएंगे, घर लेके जाएंगे धो के। इधर एक मिनट, यहाँ भी देखा ये जो मछलियों निकाल रहे हम लोग। इधर पहले इधर देखा, सब कुछ निकालते बाहर, झींगा वगैरह डिवाइड करके इसको हम लोग एक साथ टोकरे में रख देंगे। बड़ा वाला केकड़ा, ये देखिए इसको एक जाले में एक बार बंद कर देंगे तो जाने का चांस ही नहीं उनका। आज इतना ही मिला है काफ़ी, तो भी हम लोग खाने का प्रबंध हो चुका है हमारा। और हम लोग आ गए घर अभी फिलहाल। अभी लाइक कमेंट्स और शेयर करें तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लगी वीडियो तो ज़रूर बताएं, और मिलते हैं अगली वीडियो में।